नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सटीक बात न्यूज, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का रिसेप्शन सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में रिसीव किया और शेख हसीना 8 सितंबर तक भारत दौरे पर ही रहेंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते हो सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने कहा, जब लिबरेशन वार हुआ, हमारे देश ने जब स्वाधीनता पाई, तब भारत और यहाँ के लोगों ने हमारा साथ दिया और सपोर्ट किया। इसका कंट्रीब्यूशन के लिए मैं हमेशा भारत की आभारी रहूँगी। वहीं राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना ने कहा, भारत हमारा मित्र है। भारत आना हमेशा ही मेरे लिए सुखद रहता है, क्योंकि हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस देश ने बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त क्या योगदान दिया था। हमारे संबंध दोस्ताना है और हम हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। शेख हसीना ने कहा, हमारा मुख्य फोकस हमारे लोगों के बीच सहयोग बढ़ाना है और गरीबी को ख़त्म करना और इकोनॉमी को दुरुस्त करना है। इन मुद्दों के साथ मिलकर हम दोनों देश साथ काम करेंगे और इससे भारत बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लोगों को बेहतर जीवन मिल सकेगा। यही हमारा लक्ष्य है।